दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है और इसे भगवान राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है। दशहरा का त्यौहार शक्ति, पराक्रम और धर्म की विजय का पर्व है और इसे पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जी, जिन्हें श्री राम के परम भक्त के रूप में जाना जाता है, दशहरा के इस पर्व पर विशेष रूप से पूजनीय हैं। उनकी भक्ति, शक्ति और निष्ठा के कारण उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हनुमान जी की पूजा दशहरा के दिन अत्यंत फलदायी मानी जाती है और इस दिन उनके कुछ अचूक उपाय करने से सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का दाता माना जाता है। उनके उपायों से हर प्रकार की समस्या, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या फिर आध्यात्मिक, सभी का समाधान प्राप्त होता है। दशहरा के दिन हनुमान जी के अचूक उपाय। एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। दशहरा के दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। यदि नियमित रूप से संभव न हो तो कम से कम इस दिन सच्चे मन और भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और घर में शांति का वास होता है। दो राम भक्त हनुमान जी को राम नाम अर्पित करें। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। उनकी पूजा का सबसे सरल और अचूक उपाय है कि भगवान राम का नाम जपें। राम नाम के जप से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। दशहरा के दिन विशेष रूप से राम राम का जप करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। तीन सिंदूर और चमेली के तेल का चढ़ावा। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अत्यंत प्रिय है। दशहरा के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इससे सभी बाधाएं दूर होती हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। चार हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करना उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने का एक अचूक उपाय है। दशहरा के दिन हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें और बाद में इसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। इस उपाय से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के समस्त दुख दूर करते हैं। पांच हनुमान जी की सात परिक्रमा करें। दशहरा के दिन हनुमान जी की सात बार परिक्रमा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं। परिक्रमा करते समय मन में हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश होता है और सफलता प्राप्त होती है। छह हनुमान अष्टक का पाठ करें। हनुमान अष्टक एक अत्यंत प्रभावी पाठ है जो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाता है। दशहरा के दिन हनुमान अष्टक का पाठ करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो शत्रु बाधाओं से परेशान रहते हैं। सात हनुमान जी के मंत्रों का जाप। दशहरा के दिन हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। इन मंत्रों के जाप से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाओं का निवारण होता है। हनुमान जी का प्रमुख मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आठ हनुमान जी को लाल कपड़े चढ़ाएं। हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। दशहरा के दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय व्यक्ति को सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नौ हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं। दशहरा के दिन हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस दीपक को जलाते समय श्री हनुमानाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दस हनुमान जी को केले का भोग लगाएं। हनुमान जी को केले का भोग भी अत्यंत प्रिय है। दशहरा के दिन हनुमान जी को केले का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। इससे जीवन में समृद्धि आती है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 11 हनुमान जी की आरती करें।
दशहरा के दिन हनुमान जी की आरती करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आरती करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। हनुमान जी की आरती के समय घंटी और शंख बजाने से वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। दशहरा के दिन हनुमान जी की पूजा से मिलने वाले लाभ, एक, सभी बाधाओं का नाश, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनकी पूजा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो या फिर आर्थिक समस्याएं, हनुमान जी की कृपा से सभी कष्टों का निवारण होता है। दो, शत्रुओं से मुक्ति। जिन लोगों के जीवन में शत्रु बाधाएं होती हैं, उन्हें दशहरा के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा से शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह अपने शत्रुओं का सामना करने में सक्षम होता है। तीन, आत्मबल और साहस में वृद्धि। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति का आत्मबल और साहस बढ़ता है। जीवन के किसी भी कठिन परिस्थिति में हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति उसे आसानी से पार कर लेता है। उनकी भक्ति से मनोबल बढ़ता है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। चार, भय और चिंता से मुक्ति। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के भय और चिंता का नाश होता है। उनकी कृपा से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और उसे हर स्थिति में धैर्य और स्थिरता प्राप्त होती है। पांच, धन धान्य की प्राप्ति। हनुमान जी की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। हनुमान जी की कृपा से आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। उनकी पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार की आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और घर में स्थिरता बनी रहती है। छह, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। हनुमान जी को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला देवता माना जाता है। उनकी भक्ति करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से दशहरा के दिन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। हनुमान जी के अचूक उपायों से जीवन के सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और श्री राम के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जरूर जय बजरंग बली जरूर लिखें। जय श्री राम।